श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया, लोग राष्ट्रपति के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने पहुंच गए। इतना ही नहीं, देश भर में अब अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी है। रोजाना के खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दूध, चावल, अंडा, ये सब 500, 250, 300 रुपए में मिल रहा है, जो वहां के लोगों की पहुंच से बहुत आगे जा चुका है। करीब एक दशक से श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का भारी दबाव था। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज 2019 में उसकी जीडीपी का 41.3% तक पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका का कोरोना काल ने तोड़कर रख दिया।